गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं कवर कर रहा हूं बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट सीरीज चल रहा है, लास्ट मेरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने लेक्चर 5 तक कवर कर लिया है और जो भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काइंडली आप मेरे लेक्चर के थ्रू अपने जो भी चैप्टर्स हैं उसको सॉल्व करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएगा मैं एक और इसका पार्ट 2 करूँगा जिसमें केवल क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो आज मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट जो लेक्चर है इसका पार्ट 1 है, इसके बाद एक और पार्ट 2 आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के सामने एक चीज है हाइपरबोलिक फंक्शन। लेक्चर 5 में मैंने कवर किया था यूलर्स फंक्शन के अंदर, यूलर्स फॉर्मूला के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो वहां पे हमें कुछ फॉर्मूला मिले थे, उसको आप लोग को आई थिंक याद होगा और यूलर्स फॉर्मूला जो था वो भी आपको ऑलरेडी याद होगा। तो उसके आगे हम बढ़ रहे हैं और हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है। चलिए देखा जाए, देखिए साइन थीटा ये जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक है और इसी के पहले अगर एच लग जाए थीटा के पहले तो ये हाइपरबोलिक बन जाता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो उसमें क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा। तो ये देखो यहाँ दो चीजें याद रखना है, पहले साइन एच जेड की वैल्यू जो होती है ई का पावर जेड माइनस ई का पावर माइनस जेड बाई टू और कॉस एच जेड की वैल्यू होती है ई का पावर जेड प्लस जैसा ही यहाँ पे चलेगा तो ये cos h z की वैल्यू। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को आप जब रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, e का पावर z माइनस e का पावर माइनस z और e का पावर z प्लस e का पावर माइनस z। ये वैल्यू आपको tan h z से मिलेगी। अगर आपसे कोई पूछता है sec h z की वैल्यू क्या होगी तो sec h z की वैल्यू तो यहीं पे रिवर्स कर दो ना, 1 / cos h z के बराबर होगी एंड वैल्यू होगी 2 / बताओ कितना होगा, e का पावर z माइनस प्लस e का पावर माइनस z होगा, ये 2 है। तो इस प्रकार आप जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे उनको 6 हाइपरबोलिक फंक्शन मानते हुए आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर के कुछ देखेंगे रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। देखिए अब जो है हमें एक रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो सबसे पहले आप यूलर्स फॉर्मूला से आपको याद होगा cos थीटा की वैल्यू बताइए क्या था, e का पावर ix प्लस e का पावर माइनस ix / 2 था ये एग्जैक्टली। और इसके बाद से अगर जस्ट ए मिनट यहां पे थीटा है तो यहां थीटा होगा e का पावर i थीटा प्लस e का पावर माइनस i थीटा। और इसी प्रकार अगर मैं पूछूं साइन थीटा तो मैं वहां पे आपको लेक्चर 5 में बताया था इसकी वैल्यू होगी e का पावर i थीटा माइनस e का पावर माइनस i थीटा / 2i था ये एग्जैक्टली। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को लेक्चर 5 जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हमने दो वैल्यू यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू लिख लिया है। अब उसके बाद से देखो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं इन दोनों जगहों पे, इफ we put theta is equal to ix, जहाँ पे भी theta है वहाँ पे मैं अगर i को put करता हूँ, just a minute, ix को put करता हूँ तो हमें क्या value मिलेगी, ठीक है? चलो बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को मिलेगी cos theta की जगह पे minus x, sorry, ix लिख दो, तो यहाँ पे e का power i into ix plus e का पावर माइनस आई इंटू एक्स कौन क्या होगा, 2 होगा, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप रखते हो तो आपको साइन आई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन आई एक्स की वैल्यू मिलेगी e का पावर i इंटू आई एक्स माइनस e का पावर माइनस i इंटू आई एक्स / 2i। एंड इफ यू
सॉल्व दिस, आई आई एल की वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो ये की वैल्यू हो गई माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे क्या मिल गई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती बाबू माइनस वन होती है और ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे केवल एक्स रहेगा तो फॉर्म में क्या रहेगा टू रहेगा। तो इसको अगर आप देखोगे e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x अपॉन 2 हम लोग लिख सकते हैं। और अभी हमने एक चीज लिखा था यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन, अगर आपको याद है तो हाइपरबोलिक फंक्शन में मैंने cos के लिए क्या लिखा था cos hx के लिए, अभी क्या लिखा था जस्ट अभी मैंने लिखा था e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x अपॉन 2, इज इट राइट? बिल्कुल, तो हमने ये लिखा हुआ था वहां पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को बैक जाकर के आप देखो वहां पे एक चीज था, यहाँ अगर वहां पे थीटा होगा ना एच ए थीटा होगा तो ई का पावर थीटा और ई का पावर माइनस थीटा होगा, यानी ये जो वेरिएबल है जैसे चेंज होगा वहां पे एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सीधी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस एच एक्स लिख सकते हैं, तो कॉस आई एक्स की जो वैल्यू होती है कॉस एच एक्स के बराबर होती है, राइट? तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए एक और चीज, इसको भी बढ़ा लीजिए, अगर इसको हमें बढ़ाना हो आप आसानी से बढ़ा सकते हो। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ e का पावर क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी ना, सीधे ये प्लस हो गई और फॉर्म में क्या रहेगा टू आई रखा होगा। चलो तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा परिमेयीकरण कर दो, आई को क्या करो रेशनलाइज कर दो, तो आई कौन आई यू विल गेट हियर आई इंटू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर एक्स और टू आई स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज व्हाट बाबू आई स्क्वायर वैल्यू होती है माइनस वन। माइनस वन से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लू एक प्रकार से ये माइनस वन को प्लस बनाने के लिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा आई बाई टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, एंड सी दिस ये जो वैल्यू है आप इसको जानते हो ऑलरेडी, ये क्या है साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हमको यहाँ पे मिल गया साइन आई एक्स बराबर आई इंटू साइन एच एक्स, ठीक है? इस दोनों रिलेशन को आप याद रखो, साइन आई एक्स बराबर होता है आई साइन एच एक्स होता है और कॉस आई एक्स बराबर कॉस एच एक्स होता है, प्लीज नोट इट डाउन। चलो तो ये यहाँ पे क्या है, अभी हमने एक रिलेशन लाया सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच एक रिलेशन था sin ix बराबर i into sin hx और cos ix बराबर cos hx। देखो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा sin hx के बदले ये यहाँ पे भेज सकते हो, ये तो खैर बराबर ही होता है। अगर आपसे कोई तीसरा चीज पूछ दिया tan ix की वैल्यू तो आप क्या बताओगे sin ix और cos ix बताओगे, एंड द वैल्यू इज I sin hx upon cos hx, sin hx by cos hx क्या होता है tan hx होता है, तो I into tan hx आपको मिल जाएगा। तो tan में ये वाला रिलेशन होता है tan ix की वैल्यू कितनी होती है I into tan hx होती है। अब देखो जो भी क्वेश्चन थे लगभग हमने सब, जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे लगभग सबको हमने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा देखो एक बार हम लोग पीछे की चीज को याद कर लेते हैं, क्या था बाबू बताइए यूलर्स फॉर्मूला था, एक मिनट जस्ट मिनट, सबसे पहले था डी मोएबर्स थ्योरम एंड समथिंग सम फॉर्मूला यहाँ पे थे। इसके बाद से क्या हम लोगों ने देखा था, इसके बाद हमने देखा यूलर्स फॉर्मूला, फिर हमने क्या देखा लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर हमने क्या देखा लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद बताओ, फिर हमने देखा अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है हाइपरबोलिक फंक्शन, और जस्ट अभी हमने एक और चीज क्या देखा रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड यस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये सारी चीजें आई होप कि जो भी फॉर्मूला यहां से आपको मिला वो सब आपको याद होगा। हम लोग इसको एक बार क्या कर ले, जो भी हमारा लेक्चर है उसको एक बार फिर से देख लें, तब जाकर के जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला होगा वो आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
प्रोटेक्ट। हाइपरबोलिक फंक्शन में ये कुछ डिराइव्ड फॉर्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में जो मैंने बताया था उसी के अप्रोक्स है। देखो साइन एच स्क्वायर यानी हाइपरबोलिक ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक ऑफ कॉस का स्क्वायर बराबर होता है 1, यहाँ पे माइनस होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम लोग देखे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, जो कि यहाँ पे जस्ट ए मिनट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये होना चाहिए था क्या कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी। चलिए तो देखिए वहां पे अपने को फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये नेगेटिव में हो रहा है, कैसे नेगेटिव हो रहा है, तो इसी का तो हम यूज करेंगे। ओके सीरीज अगर मान लो मैंने ना क्या करा कि यहाँ पे आपसे लिखा साइन आई एक्स, ठीक है, साइन आई एक्स एंड साइन स्क्वायर आई एक्स प्लस यहाँ पे हमने किया कॉस स्क्वायर आई एक्स, that is if you put here sin square theta plus cos square theta बराबर 1 and put theta is equal to ix, you will get sin square ix plus cos square ix, that is 1, right? And यहाँ पे क्या करो relation use करो, ये जो circular function है इस function को आप क्या करो hyperbolic function के थ्रू replace करो, तो आपको याद होगा कि sin ix जो होता है वो किसके बराबर होता है i into sin के बराबर होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पे यूज कर दो तो देखो इसको पहले एक स्टेप और बढ़ा लो, आप लिखोगे इसको साइन आई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस इसको क्या लिखोगे कॉस आई एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस, क्या मिला आपको आई साइन एच एक्स का पावर 2 प्लस कॉस एच एक्स का पावर 2 is equal to 1. Do you know cos ix is equal to क्या होता है cos hx होता है, ये तो फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया था आपको। अब आप यहाँ क्या करो i को स्क्वायर करो इसको भी स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा i स्क्वायर sin h का स्क्वायर x प्लस यहाँ में मिलेगा cos h स्क्वायर x बराबर 1। And do you know the value of i स्क्वायर? Yes, obviously, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस होती है, जो इसको क्या कर देगी नेगेटिव कर देगी, फिर आपको cos h स्क्वायर x माइनस sin h स्क्वायर x बराबर 1 ये तो मिल जाएगा ना। तो इस प्रकार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 से अगर हम लोग बढ़े तो हम यहाँ भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है अदरवाइज आप इसके प्रूफ को ही याद रख लें। अब देखिए sec h स्क्वायर x प्लस tan h स्क्वायर x ये कैसे आएगा, राइट? तो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, जैसे मान लीजिए सिंस वी नो दैट ऑलरेडी वी नो दैट cos h स्क्वायर x माइनस sin h स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट, यस ऑब्वियसली। देन इसकी सहायता से हम ये सब चीजें ला करके रख सकते हैं, कैसे आएगा ये तो थोड़ा देखो, इसमें दोनों तरफ क्या कर दो ना डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय किससे कर दोगे cos hx cos h स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, cos h स्क्वायर x से cos h स्क्वायर x डिवाइड होगा 1 हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा वो बताइए sin h स्क्वायर x / cos h स्क्वायर क्या हो जाएगा tan h स्क्वायर x हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 by cos, 1 by cos क्या होता है sec h स्क्वायर x होता है, right? सीरीज इसको इधर लेके आइए, 1 को उधर लेकर के जाइए तो आपको ऐसा लगेगा, या फिर इसको उधर भेज दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 1 is equal to sec h स्क्वायर x plus tan h स्क्वायर x, जो कि हमारा सेकंड फॉर्मूला है। तो सेकंड फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखिए, अदरवाइज आप इसका प्रूफ याद रखिए। इसी प्रकार आप इस थर्ड फॉर्मूला को भी थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सरसाइज कीजिएगा, इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ से ज्यादा जरूरी यहाँ है हमें इसको याद रखना ताकि हम चैप्टर 7C, यस योर चैप्टर जस्ट यूनिट, यस चैप्टर 7C को सॉल्व करते हुए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ओके नाउ द टाइम इज स्टार्ट टू सॉल्व द सम क्वेश्चंस, पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, अब मैं आपको चैप्टर 7C के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ओके नोटिंग
चलिए देखिए, तो एक एग्जांपल है, सेपरेटली कॉलिंग एक्सप्रेशंस इनटू देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में बांट देना है। ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अभी सेपरेट है नहीं, आप यहां फार्मूला अप्लाई कर दो। चलो ये भी ये हाइपरबोलिक है और ये एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट, या फिर इसको आप सर्कुलर फंक्शन कह सकते हो। तो देखो मैं इसको भी बताऊंगा और उसे भी बताऊंगा, जगह नहीं है। तो ये देखो क्या करना है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड साइन एक्स तो ठीक है, लेकिन अगर हम कॉस आई एक्स जो है इसको रिप्लेस करते हाइपरबोलिक फंक्शन से, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एच वाई मिलेगा, मिलेगा प्लस अगर हम इसको रिप्लेस कर दें कॉस एक्स को कॉस एक्स साइन एक्स को लिखते, तो आई इंटू यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आई इंटू साइन, आई इंटू साइन एच वाई हो जाएगा। चलो देखो अब क्या है कि इसका रियल और इसका इमेजिनरी पार्ट अगर आप एक मिनट, कॉस आई एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस आई एक्स की वैल्यू होती है कॉस एच एक्स, यस दिस इज गुड एंड द वैल्यू विल बी राइट, यस। तो यहां कुछ करना नहीं था, बस ये हो गया कॉस एच वाई प्लस आई इंटू यहां हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई। ओके तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ओके एंड इसी प्रकार यहां पे दूसरा जो है साइन एच हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस आई वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस हाइपरबोलिक ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई को आप पहले ही कन्वर्ट कर दो, किसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो हाइपरबोलिक से आप सर्कुलर बना सकते हो। तो देखो अगर हाइपरबोलिक से आप इसको सर्कुलर बनाओगे तब क्या हो जाएगा, तो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा था, साइन माइनस साइन आई एक्स बराबर आई इंटू साइन एच एक्स, और अगर मैं अब यहाँ से साइन एच एक्स की वैल्यू पूछू तो ये हो जाएगा वन बाई आई साइन आई एक्स। अगर इसको आप रेशनलाइज करो तो रेशनलाइज करने पर आपको वैल्यू मिलेगी माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो माइनस आई इंटू साइन आई एक्स बराबर साइन एच एक्स होगा। ओके अगर आपसे साइन एच एक्स की वैल्यू की जाए, तो यहाँ पे भी तो वही पूछा हुआ है ना, इन्होंने साइन एच इसको मान लो एक्स या फिर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस आई इंटू साइन एक्स प्लस आई वाई। ओके एंड दिस वैल्यू विल बी व्हाट, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, ये वाली वैल्यू को लिख दो जो अभी यहाँ पे आया था, मैंने लेके आया हुआ है, या फिर यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी लगा सकते हो। चलो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, ये नोट कर लो प्लीज। चलो देखो तो यहां पे हो गया कॉस ए इंटू साइन बी, ओके एंड दिस वैल्यू विल बी माइनस आई इंटू साइन एक्स। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किससे, हाइपरबोलिक फंक्शन से, तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एच वाई हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम रिप्लेस कर दें साइन आई वाई को, तो क्या हो जाएगा आई इंटू साइन एच वाई हो जाएगा। ओके एंड फाइनली अगर हम आई माइनस आई से सब में मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू साइन एक्स कॉस एच वाई, राइट, माइनस आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई। ओके एंड माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, प्लस वन, आई स्क्वायर होगा माइनस वन, माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस वन, जब ये प्लस वन होगा तो आपको एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा सीरीज, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई माइनस आई इंटू साइन एक्स कॉस एच वाई। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा हुआ ये, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ ये। इस प्रकार हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं चैप्टर में भी, एग्जांपल में भी, आप वहां से सेपरेट बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा करके, और यहाँ हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन का यूज करके। ओके नोट इट प्लीज। देखिए एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हुआ है, वो माइनर मिस्टेक है जो कि आप लोगों से भी हो सकता है,
थोड़ा सा आप लोग इसको केयरफुली देखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ना आई एक छोड़ दिया है, यहाँ पे वैल्यू जो होनी चाहिए थी आई होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा भी था उसका बाद में मैंने यूज नहीं किया। देखो साइन आई एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो साइन आई एक्स की वैल्यू होती है आई इंटू साइन एच वाई के बराबर होती है, पता है। अब यहाँ पे क्या है कि साइन एच वाई जो है ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको नीचे लेकर के आओगे जैसा कि मैंने वहां बताया था, तो ये हो जाएगा साइन आई एक्स। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। वेरिएबल सेम होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए। अब देखो गौर से, साइन एच वाई के बदले क्या लिखना पड़ेगा, और माइनस आई साइन आई वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज मैंने करा है कि साइन एच इस टोटल को मैं थीटा मानूं या फिर वाई मानूं, तो माइनस आई साइन, और यहाँ पे आई मिसिंग है, ठीक है, तो इस मिसिंग चीज को करेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग को इसको थोड़ा सा अगर नोट कर लिए होंगे तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे आप इसको अल्टर कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए एक बार मैं इसको बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन आई इंटू एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ओके, एंड माइनस आई साइन आई एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, एंड द वैल्यू विल बी साइन आई एक्स। व्हाट इज आई एक्स, तो आई एक्स माइनस वाई, ओके, सी दिस। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए साइन ए माइनस बी, तो थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। देखिए यहां से जो चीज है इसको एक और स्टेप बढ़ा लू, माइनस आई इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इज इट राइट, यस। आगे बढ़ो, तो यहां पे मैं कौन सी चीज को आगे बढ़ाता हूं, देखो माइनस आई इंटू साइन आई एक्स को रिप्लेस कर लो, हाइपरबोलिक से रिप्लेस कर लो। अगर आप हाइपरबोलिक से रिप्लेस करोगे ये क्या बन जाएगा, आप बताइए, हाइपरबोलिक से रिप्लेस होने पर बन जाएगा आई इंटू साइन एच एक्स, इसका मैंने यूज कर लिया इस फॉर्मूले का, इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स को क्या लिखोगे, कॉस एच एक्स साइन वाई, राइट। अब क्या कर दो ना, इस आई से मल्टीप्लाई करा दो माइनस आई से, तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर साइन एच एक्स कॉस वाई प्लस आई क्रॉस एच एक्स साइन वाई, ओके, एंड सी दिस, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, प्लस होती है, तो हो जाएगा साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई कॉस एच एक्स इंटू साइन। अब देखिए ये अपना क्या बना रियल पार्ट और ये अपना क्या बना इमेजिनरी पार्ट, तो ये सही है, थोड़ा सा वहां एक मिसिंग था, सॉरी फॉर दैट। आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए, ये साइन एच एक्स प्लस आई वाई का सेपरेशन है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, क्या मिक्स किया है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में तो सेपरेट करना है लेकिन मिक्सिंग कर दी गई है, क्या किया है, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपको दिख रहा होगा, सी दिस, लॉग साइन थीटा प्लस आई फाई, और उसके साथ लॉगरिथमिक फंक्शन के विद इन द वैल्यू जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज सर्कुलर फंक्शन है, और उसे हमें हाइपरबोलिक के थ्रू बनाना पड़ेगा। तो देखोगे तो लॉगरिथमिक और यहाँ पे सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन का यहाँ मिक्सचर है, तो कैसे बनाओगे, उससे पहले मैं आपसे अगर पूछूं तो आपने इस चीज को किया होगा लॉगरिथमिक में, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, ये मैंने इस प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ये वैल्यू होता है लॉग 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, इज इट राइट, यस ऑफ कोर्स दिस इज राइट आई थिंक, ओके, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, ओके, तो ये आपको तो याद होगा लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। और एक चीज यहां से और हम लोग कहेंगे
कि अगर मेरे को साइन थीटा प्लस आई फाई दिया है तो इसको हम साइन ए प्लस बी करके सेपरेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस फॉर्मूला एंड देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट. तो चलो देखते हैं. देखो यहां पे इन्होंने दिया कि लेट इसको यहां पे मान लीजिए सिंस साइन थीटा प्लस आई फाई को हम क्या लिख सकते हैं बताइए. तो इसको हम लिखेंगे साइन ए इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, ठीक है. अब देखिए क्या है, इसको अगर मैं कहूं हाइपरबोलिक में चेंज करने तो क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग-अलग चाहिए तो sin थीटा और ये हो जाएगा cos h phi, राइट. कांसेप्ट रिलेशन के थ्रू ये हुआ बाबू, सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के रिलेशन के थ्रू प्लस cos थीटा इनटू यहां पे होगा phi sin h phi. एंड अगर हम इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी cos theta sin h phi सीरीज. ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. लेकिन ये किसके लिए, sin theta plus i phi के लिए. यहां पे तो log लगा हुआ है. तो इफ यू कंसीडर दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड सिंस वी नो दैट log अल्फा प्लस आई बीटा, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लॉग आपका अल्फा क्या बन रहा है बाबू, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन बीटा. अगर मैं यहाँ अल्फा बीटा कंसीडर कर लू इसको तो ये साइन बीटा इंटू कॉस एच फाई है. ये क्या होता है, ये मैंने मान लिया है, ये मेरा लेट किया हुआ है कि अल्फा अगर मैं इसको मानू और बीटा अगर इसको मानू तो लॉगरिथम ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट इज लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस एच फाई प्लस यहाँ पे है आई कॉस थीटा इंटू साइन एच फाई. तो साइन एच फाई इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं जी, इसी को तो हम लोग कहते हैं साइन थीटा प्लस आई फाई. तो अगर हम ये इसके फॉर्मूले के थ्रू आगे बढ़े तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, लॉग साइन थीटा, लॉग साइन थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते. ओके तो चलिए देखा जाए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं. तो यहां तक सही है, जिन लोगों ने भी करा है उनका सही है. अब क्या करो, इन्होंने यहां से हमें मिल गया sin थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू इतना. अब क्या करो ना, दोनों तरफ log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स यू गेट log sin थीटा प्लस i phi बराबर log sin theta into cos h phi plus i cos theta sin h phi. अब आपको ये logarithmic function दिख रहा होगा जिसमें ये हमारा क्या हो गया, real part हो गया और ये हमारा क्या हो गया, imaginary part हो गया. तो अगर ये इसकी value क्या होती है, तो since we know that log alpha प्लस आई बीटा की जो डायरेक्ट वैल्यू मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई है वहां से आप जाके देखो क्या होता है, 1 बाई 2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई यहाँ पे है टैन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, इज इट राइट. देन पुट द वैल्यू हियर, आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 जस्ट यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग सीरीज अल्फा स्क्वायर यानी कि साइन थीटा, थोड़ा सा इसको सेपरेट करके बनाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, फिर भी अगर आप इसको अंडरस्टूड कर रहे होंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर जो निकालना है इसकी स्क्वायरिंग करनी है और बीटा स्क्वायर जो निकालना है इसको स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है प्लस आई टैन इनवर्स बीटा की वैल्यू ये वाली डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू ये वाली, ऐसे करके आपको निकालना है. ओके तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर में लिखता हूं तब तक आप लोग यहां तक नोट कीजिए. देखिए तो अभी मैं यहां पे थोड़ा सा इरेज कर दिया हूं और आप लोग नोट कर लिए होंगे अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी है साइन थीटा और कॉस एच पाई, बीटा की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा साइन एच पाई. आपको ये लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल करके यहाँ पर वैल्यू कर देना है. चलो अल्फा स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर जब आप करोगे ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस एच स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर करोगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन एच स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से अपने लोग क्या कर सकते हैं,
थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस भी परफॉर्म कर सकते हो आप, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी लॉग ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा दैट इज 1/2 लॉग, और यहाँ वैल्यू क्या आ रही है बाबू बताइए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस एच स्क्वायर फाई, एम आई राइट, यस, प्लस सॉरी प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा साइन एच स्क्वायर फाई, साइन एच स्क्वायर फाई, ठीक है। एंड प्लस में यहां पे क्या बन रहा है, आई टैन इनवर्स, तो यहां पे बेटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा इंटू साइन एच फाई अपॉन साइन थीटा इंटू ये वाली वैल्यू कॉस एच फाई थी, ठीक है। तो ये टोटल मैंने वैल्यू लिख लिया, अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है, अदरवाइज आप इसको कहोगे तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये देखो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, यहां से यहां तक ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन क्या है कि किताब में थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको और भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको और भी आगे चल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या किया उन्होंने, इसको आगे बढ़ा ही दिया है, बढ़ाने के लिए यूज किया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस एच स्क्वायर फाई जो है इसको चेंज कर दिया है 1 प्लस साइन एच स्क्वायर फाई में, ताकि साइन एच स्क्वायर फाई क्या हो सके, कुछ कॉमन हो सके, इस प्रकार का है। लेकिन आप ये रियल टर्म आपका यही है, इमेजिनरी टर्म आपका ये है, अब आप इसको जितना आगे तक बढ़ के चाहते हो इसको आगे लेकर के चलना, आप आराम से बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी अगर कन्वर्जन करना है, यहाँ से एच स्क्वायर फाई है, यहाँ साइन एच स्क्वायर फाई है, दोनों अगर सेम करना है तो आपको पता होगा कॉस एच स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था अभी जस्ट, कॉस एच स्क्वायर फाई माइनस साइन एच स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो आप कॉस एच स्क्वायर फाई के बदले क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हो, तो इस कॉस एच स्क्वायर फाई को आप रिप्लेस करना चाहते हो, साइन एच स्क्वायर फाई था यहाँ पे, तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, और बाद में कुछ कॉमन टर्म्स जो होंगे उन्हें बाहर भी कर सकते हो, और फाइनली आपका जो वैल्यू है मैं बुक से लिख देता हूँ, आप इसको प्रोसीड करके देखना, बिल्कुल वहां तक आप पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 1/2 log साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एच फाई प्लस आई इंटू टैन इनवर्स कॉट थीटा इंटू साइन, तो टैन एच वाई, देखो ये तो कुछ नहीं किया है इन्होंने, cos थीटा by sin थीटा इक्वल टू cot थीटा एंड sin h by cos h इक्वल टू tan h, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, आप बढ़ा भी सकते हो एग्जाम में, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, नोट इट प्लीज। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, मैं इसका अगला जो है आपका 7C जो चैप्टर है फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसका कवर करा चुका हूँ, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पार्ट 2 इसी लेक्चर का बनाने वाला हूँ, उसमें डिस्कस करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।